हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में कुछ काम वाम करके दिखा देती हूँ आपको। ठंड बहुत बढ़ गई है तो ये बेड पे मैंने कंबल बिछा दिया है, बेडशीट के नीचे। इतने फटाफट से आ चल रहे हैं, देखो रियल में भी ऐसा होता हो। और अब ये सब करके थोड़ा सा योगा करने बैठ गई हूँ मैं। कमर दर्द है तो थोड़ा कर लेती हूँ, ना भी दर्द हो तो भी कर लेना चाहिए। ये रूटीन अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ये अनुलोम विलोम क्या है, मैंने अनुलोम विलोम करते समय एक नाक से सांस लेते हुए दूसरे से छोड़ते हुए ये कर लेना चाहिए। अगर कर पाएँ तो 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी देर कर लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसकी वजह से वेट भी बढ़ गया है बहुत, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाती हूँ ज़्यादा, तो शायद उनसे कुछ मोटापा भी आता है अगर एक्सरसाइज वगैरह हम ना करें तो, और इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद ये जो ये पैर स्ट्रेच करने वाली है, इससे कमर में और पूरे पैरों में बहुत आराम मिलता है। हाथों को पीछे रख के और पैरों को पूरा पहले आगे खींचे और फिर पीछे, इस तरह से काफ़ी रिलैक्स मिलता है। पेट में भी फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं वॉकिंग तो कर नहीं सकती हूँ, वॉकिंग से तो मेरे डबल पेन हो जाता है, तो यही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बेड पे बैठ के ही थोड़ी बहुत हो जाती है तो हो जाती है एक्सरसाइज, अदरवाइज बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद ये दोनों पैरों को इधर से उधर इसे घुमाते हुए 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना भी घुमा सकते हैं, और फिर दूसरी तरफ से घुमा लें। वैसे तो कई आसन मैं करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, बीच बीच में मैं दिखाती रहूँगी। बैक पेन के तो सारे ही आसन कर लेती हूँ, ज़्यादा पेन होता है तो ये भी नहीं होते हैं, फिर तो बस बेड पे ही लेटे लेटे पड़े रहते हैं। और आप सभी बताइए कमेंट करके कैसा चल रहा है ठंड का। ठंड तो हद ही हो रही है अभी, बल्कि अब 2 दिन से तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कुछ, नहीं तो बिल्कुल कम्बल रजाई में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। एक ये भी है, इससे पूरे पैरों की मालिश की तरह ही हो जाता है, अगर ऐसे इधर उधर हिलाएं तो जैसे पैरों में मालिश करते हैं वैसी फीलिंग आती है, ये भी कर लेना चाहिए। उसके बाद ये है पूरा स्ट्रेच करके और पैरों को खोलो और क्रॉस वाइज इसको करते हैं, एक बार इधर वाले पैर पे इधर वाला हाथ और इधर वाला पीछे, ऐसे करके ये अगर ये कंटिन्यू किया जाए तो इससे वेट भी कम होता है, पेट भी कम होता है, लेकिन करना पड़ेगा टाइम लगा के, जो कि उतना नहीं हो पाता है मेरे से। बस थोड़ा थोड़ा करती हूँ, इससे पेन में थोड़ा रिलीफ होता है। इसके बाद एक ये है चक्की चलाने वाला, जब हमारी माएँ थी तो हाथ से आटा पीसती थी, इससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है और इससे भी पेट भी कम होता है अगर कंटिन्यू करें तो, लेकिन करने से होता है, बाबा जी कहते हैं करने से होता है, बोलने से और देखने से नहीं होता। ये सब करने के बाद अभी थोड़ा सा इधर उधर का काम और करना पड़ता है। गर्दन में दर्द, इसके बाद ये करने से कंधों में दर्द हो गया मुझे, मैं पूरी दर्द की दुकान हो रखी हूँ, तो कंधों का दर्द ठीक करने के लिए एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के और ये दोनों कंधे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सांस जब कंधे ऊपर जाएं तो सांस अंदर और जब कंधे नीचे आए तो सांस बाहर, इस तरह से इसको करना चाहिए। और उसके बाद दोनों कंधों पे हाथ रख के इसे पीछे की तरफ घुमाओ 3-4 बार और 3-4 बार आगे की तरफ,
इससे कंधों में और हाथों में भी रिलैक्स होता है। फिर गर्दन में थोड़ा हल्का, गर्दन में भी पेन हो गया था मुझे ये करते करते, तो एक बार इधर एक बार उधर गर्दन को 3-4 बार करके इधर उधर, तो ये आराम हो जाता है गर्दन में भी, और उसके बाद पीछे और आगे थोड़ी सी गर्दन की मूवमेंट कर लें। तो हम बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं अगर बाहर जाके करने लायक नहीं है मेरे जैसे, तो ये भी कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू करें हम, तो इससे भी काफ़ी रिलैक्स होता है, हमें फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हम अगर सांस रोक पाएँ तो ये दोनों हाथों को घुटनों पे रख के और जितनी देर भी सांस रोक सकते हैं रोक के अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ निकाल के सांस को और रोक के अगर थोड़ा हम कर लें तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है हमें इससे। तो चलिए अभी कुछ काम कर लेते हैं, ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर बर्तन बर्तन रखे थे इनको हटा के और बथुआ लिया था रायता बनाने के लिए। थोड़ा ये कैंची रखती हूँ मैं, इस कैंची से काटती हूँ मिर्ची, चाकू से नहीं काटती हूँ। और ये देखिए अभी बथुआ काटूँगी, इसके लिए थोड़ी बड़ी कैंची रखी है मैंने। तो काटने वाला वैसे हमारी भाषा में बोलते हैं दरांत, वो भी है मेरे पास, लेकिन वही प्रॉब्लम कि बैठ के वो पैर के नीचे दबाना पड़ता है और मैं कर नहीं पाती हूँ, तो कैंची से मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाता है, इसमें बिल्कुल चाकू से काटने में बल्कि थोड़ी दिक्कत आती है मुझे। तो धनिया या मेथी या बथुआ साग जो भी होता है मैं कैंची से ही ज़्यादा काटती हूँ। तो आप लोग बताइए आपको यह तरीका कैसा लगा कैंची से काटने वाला, अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। सही, ज़्यादा देर खड़े होने में भी दिक्कत होती है, देखिए पैरों को इधर उधर कर रही हूँ, टाइम निकालना है बस, क्या करें। हम बच्चे जॉब वाले हैं तो खैर आज तो बहू गई हुई है अपने मायके, वो भतीजा हुआ है उसको, वैसे भी वो सुबह जाके शाम को आती है। ये देखिए कितना अच्छा कट गया है, अभी इसको धो के मैं रख दूँगी और दोपहर में इसका बनाएंगे रायता और बाजरे की रोटी। अगर हो सका तो दिखाऊंगी आपको, नहीं तो किसी और दिन दिखाऊंगी, आज तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी। उसके बाद ये मूलियाँ रखी हैं, इनके भी मैंने पत्ते हटा दिए थे, बीच में जो छोटे पत्ते होते हैं कच्चे उनको रख लें। ये देखिए मैं दिखाया आपको, इनको रख लें तो मूलियाँ ख़राब नहीं होती हैं, 2-3 दिन चल जाती हैं। और ये विनीता के बेड पे भी कंबल बिछा दिया आज मैंने, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है, बेडशीट ठंडी लगती हैं बिल्कुल, तो इनके नीचे मैं बेड पे सब कुछ रखा हुआ है, इसका फ़ोन लैपटॉप। ये बेडशीट धुलने वाली थी आज, तो फिर उनका चलो हटाऊँगी तो कंबल भी बिछा देती हूँ दोनों पे ही। ये कंबल थोड़ा बड़ा है, ये बेड छोटा है, ये बेड मेरा पूरा 6 फीट चौड़ा नहीं है, लंबा 6 फीट है, चौड़ाई में 5 फीट है ये डबल ही, इसके गद्दे 2.5-2.5 फुट के हैं दो। और जब मैंने ये बनवाया था, कई साल हो गए इसको, तो नाप के बनवाया था ये सेट, इस दो सामने अलमारियाँ रखी हुई हैं, तो रूम के साइज से इसको मैंने बनवाया था, अपने रूम में रखा हुआ था पहले, बीच में बेड और इधर उधर साइड टेबल की तरह ये अलमारियाँ रखी हुई थी दोनों। अभी ये विनीता के रूम में आ गया है, मेरे रूम में दीवार में अलमारी बन गई है, तो बड़ा वाला जो 6x6 का बेड है वो आ गया है मेरे रूम में। तो इस तरह से ये कंबल के ऊपर बेडशीट बिछा दी मैंने, अभी थक गई हूँ, कमर में हो जाता है दर्द इतने कहाँ है। अभी बैठ के डालूंगी पिल्लो कवर, काम अगर कभी करने लग जाऊँ तो बीच बीच में बैठ के काम करने के बहाने ढूंढती हूँ, किसी किसी दिन करती हूँ काम, आज ये इतना सारा काम करने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, डेली डेली तो कर नहीं पाती हूँ मैं सब काम।
लोगों को ये मेरी वीडियो, ये मेरा काम, ये सब कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के कमेंट का। आप लोगों के कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।